असहाय बीमार बेजुबानों की सेवा में सहर्ष जुटे जाते हैं गोपुत्र राहुल। सहसा दिखी घायल गाय, रिक्शा में लाद कर जवा पशु चिकित्सालय लाकर कराया इलाज। बता दें कि रीवा जवा मध्य प्रदेश डेयरी सचिव का सराहनीय कदम, बेजुबान जानवरों का बनते हैं सहारा। आपको बताते चले कि गौवंशों को लेकर आम जनमानस, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर निजाज नेता भी खूब चर्चा करते हैं। चुनावी मौसम में गाय माता शब्द जनता से वोट बटोरने का हथियार बन जाता है। वास्तविक रूप से गौ माता के कष्ट में होने पर अधिकांश लोग उसके पास नहीं भटकते, बिरले ही लोग गाय माता की दवा व सेवा आदि कर उनके सच्चे सपूत बनने साहस कर पाते हैं। जवा में भी ऐसे हैं। ग्राम पंचायत इटौरी के सचिव राहुल सिंह, जो बीमार और घायल गौवंशों बेजुबानों की खिदमत में सहर्ष जुट जाते हैं। आपको बता दें कि चाहे गोष्ठी, कार्यशाला हो या फिर राजनीतिक मंच हो, हर जगह गौवंश बेजुबानों के संरक्षण पर खूब बातें होती हैं, लेकिन जब वास्तव में इन बेजुबान कष्ट में होते हैं तो बिरले लोग ही इसकी सेवा के लिए आगे आते हैं। जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत इटौरी के सचिव राहुल सिंह को जब भी किसी घायल या बीमार गाय, बैल या अन्य बेजुबान की जानकारी मिलती है तो सहर्ष वे इसकी सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। चाहे वह जानवर किसी व्यक्ति विशेष का हो या फिर अन्य आवारा। ऐसा ही उदाहरण आज देखने को मिला, जब एक गाय घायल अवस्था में इटौरी में मिली, जिसका एक पैर खराब हो गया था। उसकी दवा के लिए कोई आगे नहीं आया। सचिव राहुल सिंह ने बताया कि वह चल नहीं पाती थी, इस कारण गाय के नीचे गद्दा बिछवाया ताकि उसका शरीर और घायल ना हो, एवं रिक्शा में लाद कर जब आप पशु चिकित्सालय में ले जाकर उसका इलाज करवाया। वहीं पशु चिकित्सक राम अवतार मांझी ने भी अच्छा सहयोग किया। सभी की मेहनत से गाय की हालत अब सही है एवं अब वह चल फिर सकती है। आपको बता दें कि सचिव राहुल सिंह द्वारा आए दिन ऐसे सराहनीय कार्य देखने को मिलते हैं। वहीं अब तक सैकड़ों घायल गौवंशों बेजुबानों का इलाज करवा चुके हैं। एक दो को छोड़कर सभी की जाने बचाने में भी सफलता हासिल हो चुकी है। प्रयाग एक्सप्रेस ने उसके लिए धनेंद्र तिवारी के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट।